जिन पे भी हो भाई पैसा ना लग जाए, इसलिए आप ऐसा कर। जय श्री राम। विषय जाऊँ बोलो जय श्री राम। देखो हम आपको बताएं, बागेश्वर हनुमान जी की जो ताकत है, सामर्थ्यता है, अद्भुत है। और हम केवल मन की बात या बीती हुई बात या होने वाली बात नहीं बताते, जो कह दिया जाएगा वो होकर रहेगा। ऐसा हमें अपने हनुमान जी पर है नहीं, होता है। और लंदन में भी कई लोगों के साथ बालाजी ने लीलाएं की, तुम्हारे साथ भी करेंगे, आशीर्वाद है। ऐसे बैठो मां उनकी तरफ। कहां से हो? अमेरिका से। हाँ अद्भुत। बालाजी ने माइक लीजिए। अमेरिका में कहाँ रहते हैं? वर्जीनिया। ये तो इंटरनेशनल दरबार हो गया साहब। आप कोई गुरुजी हमारे बता रहे हैं, कोई चिट्ठी लेकर आए हैं छोटी सी, खोल लीजिए। हाँ पढ़िए। प्रश्न कर लीजिए अब आप। माइक से बोलेंगे, बिना माइक के बोलेंगे, माइक से बोलेंगे बहुत अच्छा लगे जी। मेरी बेटी अभिलाषा सूरी। तो क्या नाम है? अभिलाषा सूरी। हिंदी आती है? थोड़ी सी। ठीक है चलेगा, आप प्रश्न करो। इसको ब्रेन यहाँ पे थर्ड आई की तरफ हड्डी में ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर बन गया। इसका ऑपरेशन करवाया, 8 घंटे ऑपरेशन में रही। उसके बाद 3 महीने के बाद दोबारा वो दोबारा से बन गया। तो मम्मी ने फिर मेरा लड़का उससे पहले जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई में जीनियस बाबा की दया से उसको भी कुछ हो गया। उसको उसको कान जैसे वो कोई आवाज आए तो उसको कान वो चुभती है। इवन मैं 3 मंजिल नीचे होंगी, मैं टैब भी खोल रही थी, उसको चुभती है। तो थोड़ा मतलब कि उस पर भी दया करो, वो बहमी हो जाता है। मेरे हाथ का खाना नहीं खाता, मतलब कि हाथ में टच कर लिया वो खाना नहीं खाएगा। वो अब आपको ठीक है। और कोई बात? हमने ऐसा लिखा, 2 चिट्ठी लाई हैं, एक में प्रश्न लिखा, एक में गीत लिखा। बच्चों का करियर का विषय है। नंबर 1, बेटी को ट्यूमर बना हुआ है जिसको लेकर परेशान है, दोबारा हुआ है, अब नहीं होगा, आराम लग जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। बेटा को कान की समस्या बनी हुई, आवाज़ बहुत तेज आ रही है किसी नस के कारण, किसी नस के कारण। वह लाभ डॉक्टरी सलाह से होगा। आप अपने घर पर अखंड रामचरित मानस का पाठ करवावें तो आपके घर की समस्त समस्याओं का समाधान होगा। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, पितृ दोष बना है। पितरों के दोष के कारण पूर्व में अकाल मृत्यु योग बना है, पूर्व में अकाल मृत्यु योग बना है, इसी कारण से यह समस्याएं ग्रसित हैं और दवा काम नहीं करती। अब नहीं होगी, आशीर्वाद है। जय श्या राम। बिल्कुल अच्छा, हम बहुत जल्दी आएंगे। बिल्कुल माँ, धाम कब आ रहे हैं? जल्दी आओ, हम कुछ कवच वहीं आपको उपाय देंगे, बालाजी उससे दया करेंगे, और इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ फोटो आप हमें दे दीजिए, एक आपकी निजी भी लिखी, कोई काम अटका पड़ा है तो उसकी भी अर्जी आपकी आ गई। ये एक फोटो दे दीजिए, बेटे वर्ग ये वाला, ये आपके काम का तो नहीं ना। चलिए तो ये वाला उपाय हम कर देते हैं। इसमें हमने उपाय भी लिख दिया है, उपाय में हमने अखंड रामायण वाला पूरा पाठ लिख दिया। अखंड रामायण का पाठ कब करवाना चाहिए,
मंत्र भी लिख दिया और नियम भी लिख दिया है। और ये मंत्र है ओम श्रीम, ये पाठ का है, अखंड पाठ। अमावस्या को करवाना है, अमावस्या को आप अपने घर में हाँ और श्रीम नमः घर का है ठीक मैया। तो कब आए थे आप यहाँ? धन्यवाद धन्यवाद। उसी में रख देते हैं, उसी में अभी रखी रहने दो, हम अभी पाली। अच्छा रख दो उसी में, पहुंचा देंगे कुछ रहो। और हम अमेरिका आते हैं पक्का। जय श्री राम, खुश रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। बस बेटी वहाँ से बबूती ले लो और हम उपाय कर देते हैं, ठीक हो जाए, हम उपाय करवा देंगे। इसीलिए तो धाम को कहा, तो आप धाम जब आएंगे करवा देंगे। आशीर्वाद।